हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉन्ग कैनवास। आप सबको तो पता है कि पैंडेमिक चल रहा है और कोरोना वायरस का सेकंड वेव आ चुका है, इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कोरोना वायरस स्पेशल ड्राइंग विद ऑयल पेस्टल कलर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। और ड्राइंग शुरू करने से पहले आपको तो पता ही है रॉन्ग कैनवास ने एक नया ड्राइंग चैनल लॉन्च किया, उसका नाम है रॉन्ग कैनवास एडिटर्स आर्ट रूम। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पे हम लोग आप लोगों के लिए सब्जेक्ट ड्राइंग, स्कूल प्रोजेक्ट वाला ड्राइंग और ड्राइंग किताबों में जैसा इजी स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग रहता है वैसा सारा ड्राइंग शेयर कर रहे हैं। आप चैनल को प्लीज विजिट कीजिए और पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। मैं पेंसिल ड्राइंग कर रहा हूँ और ये पेंसिल ड्राइंग के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले कोरोना वायरस ड्राइंग कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। उसके बाद मीडियम साइज कोरोना वायरस ड्राइंग करूँगा, उसके बाद सबसे छोटा कोरोना वायरस ड्राइंग करूँगा। गाइज आप लोग चाहो तो 2B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, मगर HB पेंसिल ही मेरे हिसाब से बढ़िया है, थोड़ा लाइट भी है। अब मैं सेकेंड कोरोना वायरस ड्राइंग कर रहा हूँ। ये थर्ड कोरोना वायरस। तो ये मेरा ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है कलर करने का। और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाला हूँ वो मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं कलर। अब मैं कलर स्टार्ट कर दिया। पहले मैं स्काई ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। अब ऑरेंजिश येलो यूज कर रहा हूँ। गाइस मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास ये वाला कलर नहीं है तो इसका नज़दीक जो भी कलर आपके पास है वो कलर आप यूज कर सकते हो। अब मीडियम येलो यूज कर रहा हूँ। नाउ ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। अब मैं वर्मिलियन कलर यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर वर्मिलियन नहीं है तो आप स्कारलेट है तो स्कारलेट भी यूज कर सकते हो। नाउ मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्रिम्सन लेक। अगर आपके पास क्रिम्सन लेक नहीं है तो जो भी कलर है वही यूज़ कर सकते हो। अब मैं कटन बार से कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ, कलर को मिक्स कर रहा हूँ। जहाँ पे भी छोटा छोटा वाइट पार्ट छोड़ दिया मैंने वो पूरा जगह हमको मिक्स करना पड़ेगा। अगेन ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ डायमेंशन के लिए। फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ कलर को। अब मैं ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ, ब्राउन शाइनर।
ये इन ऑरेंज, जो कलर मैं एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को वो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। सपोज़ मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है ये रेड है, तो जितना बार मैं रेड कलर यूज़ करूँगा उतना बार मैं आपको नहीं बताऊँगा कि ये रेड हम यूज़ कर रहे हैं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। अगेन मैं कलर को मिक्स कर रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कलर समझने में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर मैं जो जो कलर यूज़ किया है वो स्टेप बाय स्टेप मेंशन ऑलरेडी मैं कर दिया। अब पेल येलो यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट पोर्शन पे, ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ डिटेल निकालने के लिए और डार्क पोर्शन करने के लिए। आपके पास अगर ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल नहीं है तो आपके पास अगर ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल है उससे भी आप काम चला सकते हो, जो भी पेंसिल आपके पास है उसी से आप कर सकते हो। धीरे धीरे डार्क पोर्शन और डायमेंशन ये पेंसिल से बहुत अच्छा निकल के आता है। ये वीडियो गाइस आप लोग प्रैक्टिस करके हम लोगों के साथ हम लोगों का फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे आप लोग शेयर कर सकते हो। शायद एक बार में ये पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, मगर दो तीन बार ट्राई करने से आई थिंक हो जाएगा। रेड कलर यूज कर रहा हूँ शैडो पे, फिर से इसको मिक्स कर रहा हूँ कटन बार से। गाइज ये मेरा कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये ऑयल पेस्टल है, सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है, तो इसीलिए हमको बार बार मिक्स करना पड़ रहा है। अगर आपके पास दूसरा कोई ब्रांड का ऑयल पेस्टल होगा तो वो कलर आपको उतना बार मिक्स नहीं करना पड़ेगा। ये लेयर यूज कर रहा हूँ हाईलाइट पोर्शन पे, थोड़ा प्रॉपर डायमेंशन के लिए ऑरेंज, ग्रीन ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल, छोटा छोटा जो टच बाकी रह गया उसमें। अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ एक्सट्रीम हाईलाइट पोर्शन पे, अब मैं सेकेंड कोरोना वायरस में लाइट ऑरेंज येलो कर रहा हूँ ना ऑरेंज ना वर्मिलियन। ग्रीन ऑरेंज कलर कर रहा हूँ, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ेगा कलर को।
मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरा कलर दूसरा टाइप का है, ये सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है, इसलिए बार बार हमको मिक्स करना पड़ रहा है। अगर आपके पास दूसरा और कोई ब्रांड का ऑयल पेस्टल होगा तो आपको ये टेक्निक से काम नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट मिक्स हो जाएगा। लाइट ऑरेंज शेलो ये यूज़ किया था, अब मैं ब्रांड अंबर यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर ब्रांड अंबर नहीं है तो डार्क ब्राउन भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका नज़दीक जो भी कलर है आप यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे ब्लेंड किया। गाइस अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे दिखोगे, आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग नहीं देख पाओगे, फर्स्ट देख लिया लास्ट में एंड देख लिया तो बीच में क्या हुआ वो आपको पता नहीं चलेगा। वीडियो को पूरा देखो तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा स्काई, इधर भी मैं लाइट ऑरेंज शेड यूज़ किया, अब ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ। फिर से वर्मिलियन कलर यूज़ किया, ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। तीनों कोरोना वायरस में मैं सेम जैसा कलर यूज़ किया, येलो, अब वो ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल। बैकग्राउंड का कलर कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं ब्रांड टम्बर कलर यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास ब्रांड टम्बर नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो आप डार्क ब्राउन कलर, आपके पास जो भी ब्राउन है डार्क कलर का, वो यूज़ कर सकते हो। अब मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ, आई मीन ब्रांड शाइना। आपके पास ब्रांड शाइना है तो आप ब्रांड शाइना यूज़ कर सकते हो, या अदरवाइज आप ब्राउन जो भी है यूज़ कर सकते हो। अब मैं रेड कलर यानी क्रिम्सन लेक यूज़ कर रहा हूँ, डार्क रेड। आपके पास कोई भी रेड है तो यूज़ कर सकते हो, या आप वर्मिलियन भी यूज़ कर सकते हो, या क्रिम्सन भी यूज़ कर सकते हो। स्कारलेट कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, वाइट, स्काई ब्लू। अब ये जो गैप रह गया इसको पूरा ब्लेंड करके मिक्स करना पड़ेगा। जितना अच्छे तरीके से आप मिक्स करोगे उतना ही बढ़िया दिखेगा आपका पेंटिंग।
हाथ से मैं थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ। अब मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ एक्सट्रीम डार्क के लिए, और ब्लैक कलर से ये कोरोना वायरस का कॉन्ट्रास्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से निकल के आएगा। गाइज आप लोग रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें हम लोग और भी इजी ड्राइंग दिखा रहे हैं। तो आप और भी इजी ड्राइंग देखना चाहते हो तो आई थिंक वो चैनल आपके लिए है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं ऑरेंज यूज कर रहा हूँ एज इन ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल जैसा होता है वैसा। अब मैं लाइट ऑरेंज शेड यूज कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ उसी कलर से। अब पेल येलो मैं यूज कर रहा हूँ हाईलाइट पोर्शन पे। मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ। अब मैं फाइनल टच के लिए व्हाइट एक्रिलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ, छोटा छोटा डिटेल्स एकदम हाईलाइट करना पड़ेगा। गाइस हम लोगों का एफर्ट अगर आप लोगों को पसंद आया तो हम लोगों को इस चैनल का आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ड्राइंग रिलेटेड वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए हर रोज लाते रहता हूँ। अब मेरा कलर तो कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव करने का। तो गाइस चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रहा हूँ, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, और ये प्रैक्टिस करके आप लोग हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपको रॉन्ग कैनवास टाइप करने से हम लोगों का चैनल आ जाएगा। तो गाइस ये था आज का ड्राइंग, कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार्स को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया ड्राइंग लेके, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सिक्योर।